हाय, मैं हूँ सना अमीन शेख और आप सब देख रहे हैं रमजाचा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। अभी हम पोलिंग बूथ नंबर 93 पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भारी मात्रा में मतदाता आ रहे हैं, अपना वोटर आईडी यहां पर अपना नाम चेक कर रहे हैं, लिस्ट में है कि नहीं, और वोट डालने के लिए आपके पोलिंग बूथ की तरफ जा रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करें, कुछ कार्यकर्ता, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो नाम खोजने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को यहां पे लगाया गया है ताकि हर व्यक्ति अपने मतदान का या मत का सही प्रयोग कर सके। आइए हम ऐसे ही कुछ लोगों से बात करते हैं। मैडम, अपना नाम बताएं। तो मैडम, ये बताएं कि अभी जो सवेरे से मतदान अब तक गया है, साथ देश में अभी 11:30 के आसपास बज रहा है, तो कैसा आ गया है अभी, लोगों में रुझान कैसा लग रहा है? अच्छा, उत्साह से उत्साह से। आपने वोट डाल दिया? डाली सर। तो आपने इसी पोलिंग बूथ में डाला? तो अगर हम महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की स्थिति कैसी है इस क्षेत्र को लेकर? महिलाएं ज्यादा आ रहे हैं या फिर पुरुष जो है वो ज्यादा आ रहे हैं? सही है। जी, तो क्या सोच रहे हैं आप यहाँ पे बैठे बैठे, आप जो अपना काम कर रहे हैं, लिस्ट में लोगों का नाम देख खोज रहे हैं या फिर उनको आप वोट डालने के लिए उनको आगे भेज रहे हैं, ये जो काम है कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अभी लोकसभा का महासंग्राम आज हो रहा है और आप बैठे बैठे इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, आप उस स्ट्रक्चर के हिस्सा है जिसमें पूरे देश में सत्ता परिवर्तन होना है, कैसा लग रहा है? तो अगर आपकी मैं पर्सनल राय जानूं, क्या इस बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा? ठीक है, अभी कर्मचारी से आप कुछ कहने से बच रहे हैं। भाई हम, मैडम नाम बताए? 1045 है। महिला वोटर कितने हैं? अच्छा, काउंट नहीं किया है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अब तक कितना कितने लोग आके अभी जा चुके हैं? 50% अभी से हो गया है। सवेरे टाइम भीड़ था? चलिए ठीक, आपने वोट डाल दिया? तो कैसा लग रहा है सत्ता परिवर्तन को लेकर, अगर मैं आपसे बात करूं, कैसा लग रहा है, बदलाव है? ठीक है, अभी साफ साफ कह रहे हैं क्योंकि उस स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हाँ ठीक है, सरकारी कर्मचारी है इसलिए अभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, आप बने रहे हैं आरजी रमजाजर के साथ, हम चलेंगे दूसरा पोलिंग बूथ। इस वक्त हम 89 और 90 नंबर पोलिंग बूथ पे खड़े हुए हैं। कुछ महिलाओं ने अभी वोट डाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही चाक चौबंद यहाँ पे तगड़ा करके रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, ऊपर गार्ड है, नीचे हैं, सुरक्षा में सारे तैनात हैं। कुछ महिलाएं अभी वोट डाल के निकली, उनसे हम बात करते हैं। नाम बताओ अपन। तो कैसे लगा तुम्हें वोट डाल के? वोट डाल दे रहे हो? तो इधर सत्ता परिवर्तन होनी कि वही सरकार वापस आई? नहीं कह सका। ठीक है, मतलब चाहत कहा हो कि मतलब कुछ कोई चाहिए, बदलाव बदलाव होना चाहिए। 6,000 की 72,000 नहीं, 6,000 मोदी सरकार देने की घोषणा करे हुए राहुल गांधी, 72,000 रुपये सालाना दो कहे, मतलब हर महीने 6,000 रुपये दे के वादा करे, तब काखर समझाना चाहता हूँ। 6,000 ठीक है, सत्ता परिवर्तन भी कहते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ ताऊ जी भी हैं। अच्छा, नाम बताएं? ओडीलाल गोयल। तो गोयल जी बताएं कैसा माहौल है, क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं मुंगेली बदलाव विधानसभा? तो मोदी जी को आना अनिवार्य है और मोदी जी आएगा तो देश बचेगा, नहीं तो देश बिखर जाएगा, इसलिए मोदी जी को आना अनिवार्य है और मोदी जी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। ये दिली रूप से कह रहे हैं कुछ कार्यकर्ता? नहीं, दिली रूप से। अच्छा, दिली रूप से कह रहे हैं तो मोदी जी को आना अनिवार्य है, बहुत बहुत जरूरी है। मोदी जी आए तो देश बचेगा, नहीं तो देश बिखर जाएगा। चाची नाम बताएं? तो आप क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन या फिर वही रिपीट? परिवर्तन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो वो तो परिवर्तन करेंगे तो कांग्रेस की सरकार आएगी ना, अगर मोदी जी की सरकार तो अभी भी है।
अच्छा मोदी के साथ ही जाएंगे। चलिए ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में बीजेपी के लिए ज़्यादातर लोगों ने अभी अपना रुझान बताया हुआ है, परिवर्तन चाहते हैं लेकिन सरकार मोदी जी की ही चाहिए। इस वक्त 89 और 90 89 और 89 और 90 नंबर पोलिंग बूथ में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे दो स्काउट गाइड के बच्चियाँ हमारे साथ उपस्थित हैं, हम इनसे बात करते हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। तुम लोग जान रहे हो 18 साल हुआ है अभी? नहीं, हम लोग को अभी 18 साल है। तो चुनाव क्या होता है मालूम है? जो अपने मत से, मतलब खुद से ना अपना सरकार चुनते हैं। खुद से सरकार चुनते हैं? तो अगर सरकार की बात करें, राहुल गांधी मोदी जी के बारे में सुने हैं? तो कौन ज़्यादा पसंद है आपको? मोदी जी पसंद है। मोदी जी के पसंद है, बढ़िया बढ़िया कविता सुनाते हैं इसलिए? नहीं, कविता सुनाते इसलिए नहीं, उनके आने से ना हमारे देश की बहुत तरक्की हुई है। अच्छा, ये 18 साल नहीं हुआ लेकिन थोड़ा राजनीति सीख चुके हैं? जी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे क्या ड्यूटी लगा हुआ है? हम लोगों का राज्य पुरस्कार के लिए ड्यूटी लगा हुआ है कि सीखेंगे कि कैसे करते हैं वोटिंग, वोटिंग मशीन कैसे होता है और कौन से, मतलब 18 वर्ष से कम वाले नहीं डालते हैं की आयु के बाद ही डालते हैं। अच्छा, तो मेरे को ये बताएं कि अभी जितने लोग आए हैं आप लोग से कोई बात किया क्या, क्या कैसे करके आपने बताया क्या कि बीजेपी को वोट डालना है, कांग्रेस को डालना है, कोई बात मिली? ये सब तो गोपनीय होता है इसलिए वो अपना वोट डाल के चले जाते हैं, नहीं बताते हैं। अच्छा, ये आप लोग को ट्रेनिंग दिया गया होगा अंदर क्या क्या मशीनों के बारे में क्या कैसा है? अभी क्या क्या करने के लिए यहाँ पे कहा गया? अभी हम लोगों को पर्ची देके ना नंबर, रूम नंबर बताने के लिए। कौन सी क्लास है? हम लोग इस बार 10th में जाएंगे। चलिए ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 10th क्लास की दो लड़कियां अभी वोटिंग के बारे में सीख रही हैं। स्काउट गाइड की तरफ से इनको यहां पे लगाया गया है। अभी 18 साल तो नहीं हुआ है लेकिन राजनीति की इनको पूरी जानकारी है, बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है। मोदी जी के बारे में इन्होंने कहा कि ये उनको पसंद करते हैं। राहुल गांधी क्यों पसंद नहीं करते तुम लोग? चलिए ठीक है, अब बने रहे आर जे रमजाजा के साथ। इस वक्त हम शासकीय कन्याशाला वाले पोलिंग बूथ में खड़े हुए हैं। 90 नंबर पोलिंग बूथ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों का अच्छा खासा रुझान यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सवेरे से ही अगर बात करें यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में वोटर्स यहाँ पे आ रहे हैं अपने वोट का प्रयोग करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखें सारे अभी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है, हम इनसे जानेंगे कि कैसा रुझान अब तक इनको देखने को मिला है। ये बताएं अभी तक हमें वोटिंग हुआ है सवेरे से शाम तक, अभी आपके यहाँ पता लगा कि 12 बजे के आसपास नजर आ गया, कैसा रहा है? महिला वोटर ज़्यादा आए हैं कि पुरुष वोटर ज़्यादा आए हैं? क्या है, परिवर्तन जो है सृष्टि का नियम है, तो परिवर्तन होना तो जरूरी है। अब तो सही जरूरी है, मोदी या राहुल दोनों में आप एक अच्छा लीडर किसको मानते हैं? ठीक है, राहुल को मानते हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ दूसरी कार्यकर्ता है, इनसे भी बात करनी है। मैडम बताएं, तो श्रीवास्तव जी ये बताएं राहुल या मोदी? राहुल अच्छा है, लुकिंग वाइज अच्छा है, बोलने वाइज दोनों में अच्छा है। अच्छा, बहत्तर हजार ज्यादा इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ये सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता है इसलिए कांग्रेस के दौर में ही यहाँ पे बात सुनने को मिलेगी। तो रिजवान जी आप बताएं कैसा माहौल अब तक रहा है बिलासपुर लोकसभा को लेकर और हवेली क्षेत्र में? अभी तो यहाँ पर पोलिंग बूथ है, कांग्रेस के फेवर में परिवर्तन होगा? निश्चित परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन का कोई दो चार बिंदु बताएं जो मोटी मोटा हो, जो इसके वजह से परिवर्तन हो रहा है?
निश्चित रूप से जो राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो में जो कहा है 70,000 रुपये सालाना और 2 करोड़ रुपये रोजगार योजना जो बोले हैं और क्या बोलते हैं, और राहुल जी ऐसे भी हैं जो जो मोदी सरकार है जो काफ़ी मतलब बोले हुए हैं लेकिन आज तक उन्होंने कोई वादा पूरा किया नहीं। अच्छा, ये भाजपा सरकार को अक्सर देखा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो लबड़ा सरकार कहा जाता है, उसके ऊपर क्या कहा जाता है? जितने वहाँ 15 लाख उनके खाते में जनधन खाते में। अच्छा, तो ये बताएं आप लोग सवेरे से लगे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग के लिए क्या क्या सुविधाएं की गई हैं और किस प्रकार की समस्याओं से आपको जूझना पड़ रहा है जी? यहाँ जो समस्या कुछ ना, शासन की ओर से जो ये टेंट का सुविधा किया गया है और चेयर वगैरह है, टेबल है और नाश्ता है, पानी है, सबका व्यवस्था किया गया है। कितने वोटर्स हैं यहाँ पे टोटल? यहाँ टोटल 1,000 वोटर हैं। अब तक कितना परसेंट हो गया है मतदान? 25% हो गया है। चलिए ठीक है, हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। आप बताएं आप जी, आपने बता दिया क्या चाहते हैं कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? 15 लाख रुपए चाहिए। अभी मोदी जी का एक बयान आया तो उन्होंने बोला था कि आप मुझे इस बार लोकसभा में चुनाव जिताए उम्मीद में 15 लाख। लेकिन राहुल गांधी की सरकार मतलब पहले भी चलिए ठीक है, वादा नहीं निभाने की वजह से परिवर्तन इस बार चाह रही है जनता, बहुत अच्छी बात है। आइए हम यहाँ से भी बात करते हैं, कुछ आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता भी यहाँ पे, इनका भी ड्यूटी लगा हुआ। मैडम नामदेव, तो नामदेव जी आप बताएं कि आपके नज़र में कैसा है अभी यहाँ का माहौल, क्या परिवर्तन होगा बिलासपुर में, देश में? मिलिंद भाई हो सकता है वो आगे तो अच्छा होगा, वैसे माहौल अगर बढ़िया शांत चल रहा है और अच्छा से अभी 50% हो गया है। आपको क्या लगता है कैसा मतदान जा रहा है, महिलाओं के लिए कैसा अभी माहौल है, क्या व्यवस्था भी की गई है इस पोलिंग बूथ के लिए बात करें तो? पानी पीने वगैरह का है व्यवस्था यहाँ पे? हमने तो अभी यहाँ पे सर्वे किया, कहीं पे नजर नहीं आया पानी पीने का। बॉटल दे रहे हैं क्या? ये जो बॉटल दिया जा रहा है ये किसी खास पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है? बंदी पापा की दुकान। राजा, चलिए ठीक है, हमारे साथ कुछ पार्टी कार्यकर्ता भी हमसे बात करते हैं। नाम बताएं सर। तो अभिदेश जी बताएं कैसा माहौल है इस क्षेत्र की अगर बात करें पर्टिकुलर? देश हित में माहौल है, देश हित के लिए चुनाव हो रहा है, जो देश की रक्षा के लिए और देश के लिए काम कर रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री पुनः उनको रिपीट करने की, नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए हम लोग यहाँ सब मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अधिकतर लोगों ने यहाँ पे कहा कि हमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन किस चीज़ का चाहिए? मोदी परिवर्तन चाहिए या फिर सत्ता परिवर्तन चाहिए? इनको ना मोदी परिवर्तन चाहिए ना सत्ता। मेरे हिसाब से जब अभी आप लोगों ने पूछा है परिवर्तन चाहिए, जो लोग बोल रहे हैं हो सकता है प्रदेश के 3 महीने परिवर्तन चाह रहे हों, ये थोड़ी बोल रहे हैं देश में परिवर्तन चाह रहे हैं। देश का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी है, उसके तुलना में जो पार्टी विपक्षी पार्टियां अपने फुल प्लेस 200 से 250 सीट से ऊपर चुनाव लड़ रही, हम लोग क्या जीतेंगे चुनाव? हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो इस देश के लिए पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया,
और इस देश के लिए लड़ रहे हैं, गरीब लोग को चूल्हा दिया, महिलाओं का सम्मान हुआ, ये हम लड़ रहे हैं। ये सब तो ठीक है सर, ये तो चीजें हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा था पिछले बार के लोकसभा चुनाव में कि 15 लाख रुपए हम देने वाले हैं बेरोजगार देने वाले, इसके बारे में शायद तक आप लोगों ने ऐसा उस वीडियो को पूरी तरीके से देखा नहीं है। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे अलग रहेंगे? पिछले समय से ज्यादा सीटों पे देश का चुनाव है, लोग समझ रहे हैं विधानसभा चुनाव में जैसी गलतियां लोगों ने की वो सब को सुधारने की आदत नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के सारे लोग आए एकजुट हो गए ऐसा। तो इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दे आपके अलग रहेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो बीजेपी कार्यकर्ता हैं सभी और बीजेपी के समर्थन में यहाँ पे खड़े हुए हैं। इनका कहना यही है कि प्रधानमंत्री वापस रिपीट होगा, मोदी लाओ देश बचाओ का नारा इनके द्वारा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम जनता की आम जनमानस की अगर बात करें तो सत्ता परिवर्तन की बात करें, उनको 6,000 नहीं उनको चाहिए 72,000 रुपए। आप बने रहे आर जे रामचाजर के साथ। पार्षद हमारे साथ उपस्थित है, इनसे बात करेंगे। सर अपना नाम बताएं। तो फुकर जी ये बताएं कैसा माहौल है अभी देश को लेके, आपके लोकसभा को लेके? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, जनता देख रही है कि राज्य में जो 68 सीट की कांग्रेस की सरकार, जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, 15 साल के कुशासन रमन सिंह की सरकार को उखाड़ फेंक दिया, तो किसी को बताने की और चिल्लाने की और जिंदाबाद लगाने की तो जरूरत नहीं है। जनता ने बहुत खामोशी से वोटिंग की है और 68 सीट में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाया है और वही छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीट आज हमारे राहुल गांधी जी के लिए पूरे खामोशी से वोट हो रही है, बहुत शांति से वोट हो रहा है और राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। और कहते हैं कि कर्जा माफ का जो 10 दिन में वादा किया था वो 10 दिन में अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है, कुछ बैंकों का हुआ है, बाकी बैंकों का क्या? नहीं, 3 बैंकों का वजह है, 3-4 बैंकों का, ये आचार संहिता खत्म होते ही बाकी किसान भाइयों का कर्जा माफ हो जाएगा और कई आदमी जो ट्रैक्टर खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, वो वैसे किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। जो अपने धान और इसकी धान है, धान खरीदी है, ऐसे कर्जा को माफ किया जाए। अच्छा, ये जब रमन सिंह की जब सरकार थी उस समय शराब जो है कि सरकारी रूप से दारू बेचा जा रहा है, अभी स्थिति कैसी है? क्या आपकी सरकार के द्वारा उसको कंटिन्यू किया जा रहा है या उसको बंद करवाया जाएगा? 15 साल से इन्होंने दारू वाले बाबा करके दारू बेचे हैं, अभी तो 4 महीने हुई है हमारी सरकार बने, उसमें भी आचार संहिता विधानसभा लड़ गए, लोकसभा लड़ गए, अभी हमारे पास समय है, समय आएगा, उसमें जो भी हमारे ऊपर से निर्देश होगा। ठीक है, तो जैसा कि पर होगा समय चाहिए, अभी 4 महीने ही हुई है अभी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट को, अभी देश परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर चर्चा की जानी है। देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में इस बार लोग क्या चाहते हैं, क्या मोदी अगेन या फिर राहुल गांधी को लाकर देश में एक नया जोश और जुनून कायम करना चाह रहे हैं। बने रहे हैं आरजे रामचाजर के साथ।